जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल टेक्निकल छोरा 2.0 में। मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट विवेक। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए यूनिक्स कंपनी का हेडफोन। तो आज हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग और देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमें मिलती हैं, कैसा इसका साउंड है, कैसी क्वालिटी है और भी बहुत कुछ। तो शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। हालांकि दोस्तों अभी हेडफोन की कंपटीशन में बहुत सारे हेडफोन आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में, KDM कंपनी के, यूबॉन कंपनी के, JBL कंपनी के और बॉट कंपनी के। बट मैं इन सब में से सिलेक्ट करके यूनिक्स कंपनी के लाया हूँ। लो बजट और अच्छी चीज़ है। फिर भी मैंने अभी इसको खोल के चेक तो नहीं किया, फिर भी अब आपके सामने ही देखा जाएगा कि कैसा ये दिखता है और कैसा लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका डब्बा खोल, तो दोस्तों इसके ऊपर पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है इसमें। दोस्तों लिखा है इसका मॉडल नंबर है UX111। आप देख सकते हैं वायरलेस हैंडसेट प्रो। इसका जो बैकअप टाइम है ये 25 घंटे का है, 25 घंटे प्ले टाइम। और कलर आई थिंक इसका सिल्वर है, सिल्वर वाइट। और काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, चार्जिंग लीड्स, यूनिक्स कंपनी और क्या क्या है। ओके दोस्तों, तो इसका ब्लूटूथ वर्जन है 5.1, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ट्रांजेक्शन डिस्टेंस 10 मीटर तक ये कवर कर सकता है। हालांकि दोस्तों 10 मीटर इसमें लिखा है, लेकिन ये कुछ मोबाइल ब्लूटूथ वर्जन पे भी जाते हैं, कोई कोई मोबाइल से ज़्यादा भी डिस्टेंस कैचअप कर लेता है और कोई कोई 10 मीटर से कम भी हो जाता है। तो इस पर लिखे हुए के हिसाब से आप ना जाएं। इसने मैक्सिमम कहा है कि 10 मीटर, बाकी इससे ज़्यादा भी हो सकता है और इससे कम भी। और इसका यूज़ टाइम 25 आवर्स लिखा है, यानी कि स्टैंड बाई टाइम में आप 25 घंटे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 25 आवर्स लिख दिया तो 25 आवर्स ही चलेगा। इसने स्टैंड टाइम का है, मतलब नॉर्मल यूज़ करेंगे तो। और स्टैंड टाइम यानी कि आप फ़ोन से कनेक्ट रखते हैं इसको और कनेक्ट करके छोड़ देते हैं, तो ये स्टैंड बाई टाइम में 300 आवर्स यानी 300 घंटे तक चल सकता है, कंपनी ऐसा क्लेम कर रही है। और इसकी बैटरी कैपेसिटी है 800 mAh की, रेटिंग पावर 15 MW2 का है। चार्जिंग टाइम दोस्तों इसका 2 घंटे का है। और बस दोस्तों और तो कुछ लिखा नहीं, बाकी सब छटर पटर लिखा है जो अपने काम का है। नहीं चलिए इसका डब्बा खोल करते हैं दोस्तों। कुछ ऐसी पैकिंग के साथ आती है, आप देख सकते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं। हेडफोन की तरफ बाद में आते हैं, पहले देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। ये कुछ प्लास्टिक सा मटेरियल है और साथ में ये आपको एक पैकेट देते हैं। हालांकि ये क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक पैकेट नहीं, ये सबसे अच्छी बात है। ये मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। सब्जी वगैरह, आलू बालू पोटैटो इसमें ले जा सकते हैं आप, टेंशन वाली चीज़ में मजबूत क्वालिटी है, मज़ा आ जाएगा। ये आपको ऑक्स केबल मिल जाएगा इसमें, जो आप अपने मोबाइल से सीधा कनेक्ट करके सुन सकते हैं। साथ ही मरियल सा ये केबल V8 का, जो हर डिब्बे में आता है। ओके दोस्तों, चलिए अब हेडफोन की साइड आते हैं। ये है वो मेन प्रोडक्ट जिसके लिए हमने आज डब्बा खोल किया है। दिखने में दोस्तों ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखिए कुछ, और कलर भी इसका बहुत ही डिफरेंट है, बहुत ही ऑसम है, गजब दिख रहा है दोस्तों। और पहनने में काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रहा है। दोस्तों ये कानों में बहुत ही परफेक्ट और
अच्छी तरह से बैठ जाता है, जिससे आपको वायर बाहर की एक्स्ट्रा नॉइस है वो सुनाई नहीं देगी, और काफ़ी स्पंजी टाइप का है, जिससे आपके हेड में दर्द भी नहीं होगा। तो चलिए इसको कनेक्ट करके सुनते हैं, और उससे पहले इसकी बिल्ड क्वालिटी चेक कर लेते हैं कि ये मजबूत है या नहीं है, स्ट्रेचेबल है, और इतना ही खुलता है दोस्तों। जिसका सर माथा बड़ा है उसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है ये, बाकी तो। और इसकी बिल्ड क्वालिटी और बटन्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ये इसका 3.5 mm जैक चार्जिंग पॉइंट, ये इसका माइक, और ये इसकी और इसका इंसुलेशन। चलिए इसको कनेक्ट करके सुनते हैं एक बार कैसा आवाज़ आता है। ओके दोस्तों, तो हमने अपना मोबाइल हमारे कैमरामैन से मंगा लिया है, नीचे से छुप छुप के दे रहा था, तो ब्लूटूथ चालू कर दिया है। आपको एक दोस्त को बात सुना देता हूँ, इसके अंदर बहुत एक अच्छी लड़की की आवाज है, देखो कितनी अच्छी है। चलो ट्राई करते हैं। तो इसका मॉडल नंबर है UX111। ओके, कनेक्ट हो रहा है, आइए कान में लगाते हैं। भी नहीं मिल रहे हैं। ओके दोस्तों, गाने मिल चुके हैं। तगड़ा बज रहा है, मैं आपको भी सुनाने की कोशिश करता हूं। देखिए, सुनिए, बहुत ही लाउड आवाज देता है ये। इसमें जो बटन दिए हैं वो काट भी सकता है आवाज, उससे आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें मोड दिए हैं जो बहुत ही अच्छे हैं। तो आइए दोस्तों, मेन चीज इस पे बात कर लेते हैं कि इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है और ये कैसा व्यू देता है। बात करें इसकी दोस्तों, साउंड क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, और साथ ही बास भी आपको बहुत अच्छा देता है। अगर आप बास या कुछ हनी सिंह जैसे गानों के शौकीन हैं तो आपको मज़ा आ जाने वाला है, क्योंकि बास इसका बहुत परफेक्ट है। और जब आप इसको कानों में लगाते हैं तो ये बाहर थोड़ा सा आवाज़ साउंड फेंकता है, जिससे आपके अड़ोस पड़ोस को पता भी चल सकता है कि आप क्या सुन रहे हैं। और बास क्वालिटी अच्छी है, साउंड क्वालिटी बहुत ही लाउड है, जिसकी वजह से हो सकता है आपको कम आवाज़ में सुनना पड़े। और ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों, पर्सनली मुझे ये चीज़ इसके बजट के हिसाब से ठीक लगी। ये आपके रिटेल शॉप में, आसपास के जो रिटेल शॉप है वहाँ से आप खरीद सकते हैं। अप्रोक्स ये आपको 1800 से 1600 के बीच में पड़ेगी, कहीं प्राइस की कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है, आसपास ही मिलती है। और तो ये इस बजट में बहुत ही अच्छा हेडफोन है, और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है, और साथ ही प्रीमियम फीलिंग भी आती है पहनने के बाद, अच्छी लुक मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले किसी प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।